आज हम लोग इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिशियन के काम में काम आने वाले टूल्स की बात करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिशियन टूल्स की बात करें तो इन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। हम इन्हें तीन भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है हमारा हैंड टूल, दूसरा होता है हमारा पावर टूल, तीसरा होता हमारा मेजरिंग डिवाइसेस। अगर हम हैंड टूल की बात करें, ऐसे औजार जो कि जिन्हें चलाने के लिए जिन्हें हम अपने हाथों से चलाते हैं वो हमारे हैंड टूल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमारा कॉम्बिनेशनल प्लायर हो गया, कटर हो गया, इसके अलावा हमारा स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये सारे के सारे हमारे हैंड टूल के अंतर्गत आते हैं। पावर टूल वो टूल होते हैं जिन्हें चलाने के लिए हमें अलग से पावर सप्लाई देनी पड़ती है। जैसे कि हम बात करें हमारा ग्राइंडर हो गया, या तो फिर हम बात करें कटिंग वाला टूल हो गया जिसकी मदद से हम चीज़ों को काटते हैं, और इसके अलावा हमारा जिग्जो हो गया जिसकी मदद से हम लकड़ी को काटते हैं, और ड्रिल मशीन हो गया। इसी तरीके से और भी टूल्स आते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। ऐसे टूल्स जो कि जिन्हें चलाने के लिए हमें पावर सप्लाई देनी पड़ती है, उन्हें हम पावर टूल्स कहते हैं। मेजरिंग डिवाइसेस की बात करें तो मेजरिंग डिवाइसेस या फिर मेजरिंग टूल्स वो डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि हम हमारा मेजरिंग टेप हो गया, हमारा वायर गेज हो गया, इसके अलावा हमारा वोल्ट मीटर हो गया, अमीटर हो गया, वॉट मीटर हो गया, ये सारे के सारे हमारे मेजरिंग टूल्स होते हैं। अब हम इनको देखते हैं। ये हमारे टूल्स हैं, इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं जो कि काम में आते हैं। अब एक एक करके हम इन्हें देख लेते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं। जैसे हम बात करें, ये हमारा साइड कटर है जिसकी मदद से हम वायर को काटते हैं। ये हमारा वायर स्ट्रिपर एंड कटर है, इसकी मदद से हम वायर को छील भी सकते हैं और वायर को काट भी सकते हैं। ये हमारा वायर कटर है जिसकी मदद से हम वायर को काटते हैं। ये हमारा नोज़ प्लायर है। नोज़ प्लायर की बात करें तो इसकी मदद से हम जो सकरी जगह होती है वहाँ पे वायर को स्क्रूज वगैरह को पकड़ने के लिए, कसने के लिए, और इसके अलावा वायर को इसकी मदद से हम काट भी सकते हैं और वायर को मोड़ भी सकते हैं। वायर को मोड़ने पकड़ने के काम में आता है। ये हमारा ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर है। ये दोनों वायर स्ट्रिपर हैं, पर इसमें इसमें थोड़े हमारे एडवांटेज होते हैं कि इसमें ऑटोमेटिक सिम हम वायर रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक स्केल दे के रखा है ये, तो इसके हिसाब से जैसे 5 mm, 10 mm, जितना भी हमें उसमें से वायर पर से इंसुलेशन हटाना है उतना हम वायर यहाँ पे रखते हैं, और इसको हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो अपने आप ये उतना इंसुलेशन हटा देता है। और इसका एडवांटेज ये भी है कि ये कभी भी वायर को नुकसान नहीं पहुँचाता है। जो हमारा मेटल होता है, कंडक्टर होता है, उसे डैमेज नहीं करता है। इसका यूज़ हम बाद में देखेंगे। ये हमारा कॉम्बिनेशनल प्लायर है। कॉम्बिनेशनल प्लायर की मदद से हम वायर को छील भी सकते हैं, काट भी सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं, इसीलिए इसे कॉम्बिनेशनल प्लायर कहते हैं। ये हमारा क्रिम्पिंग टूल है। क्रिम्पिंग टूल ये जैसे कि हमारा लक्स है, जो वायर वगैरह होते हैं उस पर लक्स चढ़ाने के काम में आता है। ये लक्स वगैरह को हम वायर पे लगाने के लिए काम में आते हैं। इसके अलावा ये हमारा ग्रिप प्लायर है। ये हमारा जो पाइप वगैरह होते हैं उन्हें पाइप हो गया, स्क्रू वगैरह हो गया, पाइप वगैरह होते हैं, केबल वगैरह हो गए, उनको ग्रिप करने के काम में आता है। इसके हम यूज़ बाद में देखेंगे किस तरीके से इसको उपयोग में लाते हैं। ये हमारा मंकी प्लायर हो गया। इसको मंकी प्लायर भी कहते हैं, तोता प्लायर भी कहते हैं। इसका मुंह तोते के जैसे होने के कारण इसको तोता प्लायर भी कहते हैं। ये हमारा वेंच पाइज है, पाइप वेंच है जिसकी मदद से जो पाइप वगैरह होते हैं उसको पकड़ते हैं, पकड़ने के काम में। और इसके अलावा ये हमारे पास स्क्रू ड्राइवर से अलग अलग तरीके के, जैसे हम इसकी बात करें, ये हमारा फ्लैट एंड स्क्रू ड्राइवर है। ये हमारा स्टार स्क्रू ड्राइवर है। इसका मुंह वगैरह देखेंगे तो ये जो स्टार नट होते हैं,
स्टार स्क्रूज होते हैं उन्हें खोलने के काम में आते हैं। इसके अलावा ये हमारा ये भी इससे बड़ा वाला मीडियम वाला स्क्रू ड्राइवर फ्लैट वाले में, और ये हमारा फुली इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर है। इसके दोनों टाइप के मुँह हैं, हमारा स्टार भी है और फ्लैट भी है। जैसा हमें जैसा हमारे पास स्क्रू होगा उस हिसाब से हम इसको चेंज करके इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा टूल बॉक्स है, इसमें सारे तरीके के हमारे टूल्स हैं, सारे तरीके के स्क्रू ड्राइवर हैं। ये सिंपल जैसे कि इसमें देखें हम, ये हमारा छोटा वाला स्टार इस पर बिट दे के रखी है, ये इससे थोड़ा बड़े वाले स्टार बिट। इसी तरीके से एक इसमें ये हमारा ये होल करने के लिए देखे रखा है पोकर, इसे हम पोकर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा हैमर है, जिसे हमें इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में दो तरीके के हैमर्स यूज़ होते, मतलब वैसे दो तरीके के हैमर्स आते हैं। एक हमारा बॉल पिन हैमर आता है और दूसरा हमारा क्रॉस पिन हैमर आता है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में हमारा बॉल पिन हैमर यूज़ होता है, और अगर हम क्रॉस पिन की बात करें तो जो हमारा मेटल वगैरह कटिंग होती है वहाँ पे हमारा क्रॉस पिन हैमर यूज़ होता है। ये हमारे चीज़ल है, चीज़ल की मदद से जब हम दीवार वगैरह में जब छेद वगैरह करते हैं या फिर कटिंग करते हैं दीवार की, तो उस कंडीशन में ये यूज़ होती है वायर में दीवार में छेद करने के लिए। ये हमारा पंच है, ये पंचिंग के काम में आता है। इसकी मदद जब भी हम ड्रिल वगैरह करते हैं तो इसके इसको निशान लगाने के काम में आता है। जैसे जहाँ पे भी हमें निशान लगाना है वहाँ पे हम रख देंगे और फिर जब स्ट्राइक इस पर ठोकते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है जिसकी मदद से फिर उस पर ड्रिल करते हैं। यह हमारा इलेक्ट्रिकल मीटर है, ये मीटर है जिसकी मदद से हम लंबाई मापते हैं। ये हमारा हेक्सा फ्रेम और ब्लेड है जिसकी मदद से जब हमें लकड़ी वगैरह कुछ काटना होता है, कुछ भी काम होता है, तो उस कंडीशन में इसे कटिंग करते हैं। ये हमारे पास फॉइल्स है, फॉइल्स की बात करें तो ये जो हमारा मेटल, ये मेटल कटिंग के काम में आता है, मेटल कटिंग या फिर लकड़ी वगैरह जो रहते हैं उनके सरफेस को साफ करने के, प्लेन करने के काम में आता है। अगर हम फाइल्स की बात करें तो फाइल्स भी हमारे तीन तरीके की होती है। ये हमारी फ्लैट फाइल है, ये अब जैसे देख सकते हैं कि इसके दोनों एंड फ्लैट है। इसकी बात करें तो ये हमारा सेमी राउंड फाइल है, इसकी बात क्योंकि हम इसे देख सकते हैं जैसे कि आप, ये वाला पोर्शन इसका फ्लैट है और ये वाला इसका राउंड है, इसलिए इसे हाफ राउंड फाइल कहते हैं। और इस फाइल की बात करें तो ये पूरी तरीके से गोल है, इसलिए इसे राउंड फाइल कहते हैं। ये हमारा स्प्रिट लेवल है, ये सरफेस की को प्लेन बताने के काम में आता है कि आपका सरफेस प्लेन है कि नहीं है। ये हमारा चौक लाइन मार्कर है, इसकी मदद से जब हम कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं तो दीवार में हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए रहती है तो उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। और बाकी इसको यूज़ कैसे करते हैं हम आगे इसको देखेंगे। यह यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के स्पेनर्स हैं, हमारे रिंग स्पेनर्स हैं और ये हमारा डबल एंड स्पेनर है, फ्लैट स्पेनर है। अब हम पावर टूल्स की बात करेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि पावर टूल्स वो टूल्स होते हैं जिन्हें चलाने के लिए हमें अलग से पावर सप्लाई देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके के पावर टूल्स हैं। जैसे कि पहला हम बात करें तो ये हमारा जिग्जा कटर या फिर जिग्जा मशीन है जिसकी मदद से हम लकड़ी को काटते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल में हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जिसमें हमें लकड़ी की कटिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो जिग्जा मशीन हमारी वहाँ पर काम आती है लकड़ी की कटिंग के लिए। इसके बाद हम दूसरे टूल की बात करें तो ये हमारी ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन से जैसे दीवार वगैरह हो गई या फिर लकड़ी वगैरह हो गई, जहाँ पे भी हमें ड्रिल करने की, छेद करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम ड्रिल मशीन की मदद से छेद करते हैं। ये इसकी अलग अलग टाइप की बिट्स हैं, इसमें हम अलग अलग टाइप की, अलग अलग शेप की बिट्स लगा के अलग अलग टाइप के होल्स, मतलब बड़े छोटे कर सकते हैं। जैसे हमें जितना बड़ा होल करना है उस हिसाब से हम इसकी बिट लगाते हैं, बिट चेंज करके हम वैसा उसमें होल कर सकते हैं। ये हमारी ग्राइंडर मशीन है,
ग्राइंडर मशीन की बात करें तो इसकी मदद से हम जो दीवार होता है, दीवार में जब हमें जीरी खोदनी होती है, जीरी काटनी होती है, तो उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं, दीवार काटने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये हमारे मेजरिंग डिवाइसेस से मेजरिंग टूल से हम देखते हैं किसके कौन कौन सा टूल किस किस काम में आता है, कौन कौन से डिवाइस किस काम में आती है। ये सिंपल हमारा जैसे कि हमने देखा था 5 मीटर का टेप है, जिसकी मदद से हम चीज़ों की लंबाई वगैरह मापते हैं, ये मापने के काम में आता है। इसके बाद हम दूसरा देखें तो ये हमारा वायर गेज है, ये हमारा वायर गेज है जिसकी मदद से जो वायर होता है उसका गेज मापते हैं कि वायर कितना मोटा वगैरह है, उसकी उसका गेज मापने के काम में आता है। ये सिंपल हमारा वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर की बात करें तो हमें हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का वोल्टेज वगैरह मेज़र करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इसकी बात करें तो ये हमारा एमीटर है। एमीटर की बात करें तो इसकी मदद से हम करंट के मान का पता लगाते हैं कि कितना करंट सप्लाई हो रहा है। ये हमारा मेगर है। मेगर की मदद से हम वायर का इंसुलेशन तथा उसका रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं। ये वायर का इंसुलेशन तथा मेजर रेजिस्टेंस मेज़र करने के काम आता है। यहाँ पर हमारे पास ये डिजिटल मल्टीमीटर है। जैसे कि हमने इससे पहले देखा कि वोल्ट मीटर सिंपल किसी चीज़ का वोल्टेज मेज़र करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से करंट मेज़र करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं, पावर मेज़र करने के लिए हम वाट मीटर का यूज़ करते हैं। तो हमें हर एक चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें एक अलग चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पर जो मल्टीमीटर होता है एक मीटर से हम सारी चीज़ें मेज़र कर सकते हैं, तो इसीलिए इसे मल्टीमीटर कहते हैं। मतलब सिंपल हम चाहें मल्टीमीटर से तो मल्टीमीटर से हम वोल्टेज भी मेज़र कर सकते हैं, करंट भी मेज़र कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी मेज़र कर सकते हैं, किसी चीज़ की कंटिन्यूटी भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये इसकी मदद से हम सारी चीज़ें मेज़र कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह भी, इसलिए इसको मल्टीमीटर कहते हैं। ये सिंपल है। जब हमें वोल्टेज मेज़र करना है तो हम वी पे इसको सेट कर देंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो इसकी मदद से हम एसी और डीसी दोनों टाइप का वोल्टेज और करंट, इसमें करंट भी हम वोल्टेज और करंट दोनों टाइप का मेज़र कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।